G20 की बैठक दिल्ली में हो रही है, लेकिन इसका असर दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर केदारनाथ पर पड़ रहा है। इस बैठक के दौरान केदारनाथ आने वाले हजारों भक्तों को बाबा केदार के धाम पहुंचने के लिए कई मुसीबतें उठानी पड़ सकती हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बैठक तो दिल्ली में है, तो केदारनाथ धाम पर इसका असर क्यों पड़ रहा है, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली में हो रही G20 की बैठक के दौरान केदारनाथ जाने वाले केवल उन भक्तों को परेशानी होगी जो हेलीकॉप्टर के जरिए धाम की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं। दिल्ली में जब बैठक होगी तो केदारनाथ रूट पर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर वहां यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हेलीकॉप्टर यात्रियों को केदारनाथ पहुंचाते थे, उन्हें G20 की बैठक के लिए बुक कर लिया है। आपको बता दें, इस वक्त करीब 8 हेलीकॉप्टर कंपनियां केदारनाथ में अपनी सर्विस दे रही हैं। ऐसे में G20 में शामिल होने आ रहे मेहमानों के आने जाने और मेहमानों की संख्या को देखते हुए केदारनाथ की तमाम हेली सर्विस को दिल्ली में लगाया गया है। स्थिति में जिन यात्रियों ने केदारनाथ धाम जाने के लिए हेलीकॉप्टर के टिकट बुक कराए थे, उन्हें 11 सितंबर के बाद ही केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल पाएगी। हालांकि पैदल यात्रा सुचारू रूप से जारी रहेगी। इस तरह की चर्चा आई तो मैंने कंफर्म किया। इसमें पता चला कि वहाँ जितने भी हेलीकॉप्टर है केदारनाथ के लिए, वो सब जो है हायर कर लिए गए वहाँ G20 को देखते हुए। तो इस तरह से 7 तारीख से 11 तक केदारनाथ के लिए कोई भी हेली सेवा अब उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सर, जो यात्री वहाँ पर आ चुके हैं या जिन्होंने टिकट बुक कर लिया है, एक संदेश जा सके, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी सर आगे? अब यही है कि हेलीकॉप्टर चलना है नहीं इस बीच में, तो लिहाजा ये पैदल मार्ग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे केदारनाथ जी जाया जा सकता है। तो ये सर सुरक्षा की दृष्टि से तो ऐसा कुछ नहीं है सर? नहीं नहीं, इस तरह का कोई नहीं है। ये स्पष्ट है, वो हायर किए गए अतिथियों की संख्या को देखते हुए, इसलिए यहाँ उपलब्धता नहीं रहेगी। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश के बाद केदारनाथ की यात्रा धीमी पड़ गई थी। अब पहले की तरह रोजाना हजारों यात्री धाम नहीं आते हैं। अब रोजाना केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या 500 से 1000 के बीच ही सिमट कर रह गई है। ऐसे में हेलीकॉप्टर सेवा बंद होने से भी यात्रियों की संख्या में तेजी से गिरावट आ सकती है। उत्तराखंड तक के लिए देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।